नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। चलिए, वक्त हो चुका है सुपरफास्ट अंदाज में सुबह बड़ी खबरों का। राज्यसभा में किसानों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और हम गांव गरीब और किसान के लिए प्रतिबंध हैं। कृषि मंत्री के विपक्ष में निशाना साधते हुए कहा कि माना कि आपने मनरेगा शुरू की है, लेकिन आपके समय में इसमें गड्ढे ही खोदे जाते हैं, हमने इसे परी मार्जिन करने का काम भी किया है। राज्यसभा में शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछा कि लाल किला हिला मामले का आरोप दीप सिंधु कौन है और अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को 8 से 12 फरवरी तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन की विहन जारी की है। किसान आंदोलन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि शांति प्रदर्शन कर रहे किसानों के अगर दूसरा रास्ता चुना तो मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार होगी। किसान आंदोलन को मजबूत बनाने और अगली रणनीति को तैयार करने के लिए 7 फरवरी को दादरी के चरखी गांव में किसान महापंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें राकेश टिकैत के गुरनाम सिंह चंदूनी समेत कई किसान नेता और प्रदेश के सभी खाप के संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। किसान आंदोलन के मसले पर 10 विपक्षी दलों ने सांसदों के गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपील की और कहा कि आंदोलन स्थल पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं उन्हें रोका जाए। विपक्षी सांसदों ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांग की और आंदोलन स्थल पर बिजली पानी की सप्लाई शुरू करने की बात कही। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठनों के नेता सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन सरकार बात ही नहीं कर रही है। सरकार इस आंदोलन को लंबा लेकर जाना चाहती है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। किसानों के आंदोलन का आज 72वां दिन चल रहा है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में कल किसान दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक में किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी फोकस रहेगा। बजट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वार किया। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि सीमा पर तैनात जवानों के साथ धोखा हुआ है, बजट में जवानों के लिए कुछ भी नहीं। बढ़ती महंगाई पर शिवसेना के केंद्र पर हमला बोला और शिवसेना ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही जनता की कमर टूट गई है, ऐसे में सरकार लोगों की जेब से पैसे छीन रही है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर हमला बोला और उन्होंने चिराग से कहा कि खुलकर तेजस्वी के साथ आ जाए, छुपकर गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई करेगा कोलकाता हाईकोर्ट में, सुनवाई भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर AIMIM की इस महीने बंगाल के 4 शहरों में 4 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। प्रतिनिधिमंडल राज्य में चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने TMC पर हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी सरकार का ट्रेंड विपक्ष मौलिक अधिकारों की हत्या करना है। पश्चिम बंगाल के समेत सभी 5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग फरवरी के तीसरे हफ्ते में तारीखों का ऐलान कर सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी को असम का दौरा करेंगे और इस दौरान 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी असम माला योजना शुरू करेंगे जिसके तहत राज्य लोक निर्माण विभाग राज्य राजमार्गों का अपग्रेडेशन भी करेंगे। गुजरात निकाय के चुनाव के तहत आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने 6 फरवरी को अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबर है कि नाना पटोले को महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कोरोना के बीच राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं क्लासेस के स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन को सख्ती से पालना करनी होगी। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,408 नए मामले सामने आए, वहीं 120 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। देश में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,08,02,591 पहुंच गई है। इनमें से 1,54,823 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते देश में 47 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस दर्ज नहीं किया गया है, जबकि 251 जिलों में बीते 3 हफ्ते में संक्रमण से एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। देश में कुल 49,599,445 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। दिल्ली के सरिता विहार में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बदमाश के बीच एनकाउंटर हो गया है, जिसमें आरोपी घायल हो गया। एनकाउंटर के दौरान 7 राउंड फायरिंग भी की गई। आरोपी कई राज्यों में एटीएम उखाड़कर लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुका है। उस पर कुल 40 केस दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि 8 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पंजाब सरकार ने जेल में बंद विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। यूपी के आजमगढ़ में सपा नेता श्याम कन्हैया यादव को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है, जिसके बाद सपा नेता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। रेलवे ने एक साथ 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन को कोलकाता और उत्तरी बंगाल के बीच चलाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को 2019-2020 में 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। वहीं पार्टी फंड में सबसे बड़ा योगदान कपिल सिब्बल का दिया गया है, उन्होंने 3 करोड़ रुपए का योगदान दिया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली का न्यूनतम तापमान घिरकर 6.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाकिस्तानी मोबाइल टावर के सिग्नल मिलने से हड़कंप मच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सिग्नल वाले इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया है। सिक्किम में भारत नेपाल बॉर्डर के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। औरंगाबाद में कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर रैली निकाली और कांग्रेस विधायक गौतम मुरारी ने कहा कि किसानों की मांगे जायज हैं। सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई गई। जैसलमेर में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने वैक्सीन लगाई। राजस्थान के हिंडोली सिटी में 14 फरवरी को ब्लड बैंक की मांग और कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। राजस्थान के तारानगर पालिका चुनाव में 2021 अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए 4 नामांकन में से 2 निर्दलियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। We'll be right back.
राजस्थान की बूंदी में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण का आगाज हुआ। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कोरोना टीका लगाकर इसकी शुरुआत की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं करने की अपील की है। विज ने कहा कि दुनिया के बड़े से बड़े मसले बातचीत के जरिए हल हुए हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में शिक्षकों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पर 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा और परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आसंख्या के मूल्यांकन करने के आदेश भी रद्द कर दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसानों से 6 फरवरी को चक्का जाम नहीं करने की अपील की और विज ने कहा कि दुनिया के बड़े से बड़े मसले बातचीत से हल हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊना के पंचायत राज मंत्री वीरेंद्र कुंवर ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े। यूपी के सिद्धार्थनगर में शिक्षकों के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पर 22 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय और असंख्या मूल्यांकन करने के आदेश को रद्द कर दिया गया। सिद्धार्थनगर में एंटी करप्शन की टीम में एक लेखापन 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। आरोपी लेखपाल शिकायतकर्ता से घर के निर्माण करवाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचने पर आपके प्रदेश अध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में 1,00,000 एक्टिव कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 70 विधानसभाओं में 70 मोबाइल वैन के जरिए पार्टी की विचारधारा पहुंचाई जाएगी। राजस्थान के धौलपुर में महिला से छेड़छाड़ विरोध किया और शख्स ने महिलाओं के बीच सड़क पर पीटा तो वहीं पब्लिक मुख्य दर्शक बनी रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कालीगंगा प्रथम लघु जल विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण किया और सीएम रावत से कहा कि राज्य सरकार बिजली हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कनेक्टिविटी पर काफी काम किया है। हमारा मानना है कि सड़कों से होकर ही विकास रास्तों तक जा सकता है।
किसान आंदोलन के चलते शादी कार्डों में बदलाव नजर आ रहा है। शादी कार्ड पर नो फार्मर नो फूड लिखा हुआ है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान के भीनमाल के राज्य अस्पताल के पास एक खेत में नवजात शव मिला है, पुलिस ने मामले की जांच करना शुरू कर दी है। अमृतसर में दोस्तों ने ही धारदार हथियार से दोस्त की हत्या कर दी और शव को नहर के किनारे फेंक दिया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लक्सर रोड की स्टेट हाईवे के निर्माण पर काम शुरू हो गया है। विभाग के मुताबिक सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर करके इसे डबल लेन बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला सामने आया है। महिला का शव घर में मिला, वहीं पति का शव बेसमेंट में बरामद किया गया। झारखंड के हंसडीहा में डीटीओ के नेतृत्व में वहां चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना हेलमेट पहनने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 22 लोगों की बाइक जब्त भी की गई। झारखंड के साहिबगंज के विधायक लेबिन हेमरबम ने पत्थर लदे ओवरलोड वाहनों की जांच की और जांच के बाद विधायक ने जिला प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। यूपी के हमीरपुर में जिला मुख्यालय के पास बेशकीमती चंदन के 3 पेड़ों के चोरों से काटे गए और पुलिस ने चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। यूपी के रायबरेली में ग्रामीणों के मवेशी चोर, आपको बता दें कि चोरी के शक में एक शख्स को पकड़ लिया गया है और उसके बाद रस्सी से बांधकर घंटों पिटाई की गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के दुमका में विकास उत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें 4 करोड़ परिसंपत्तियों का वितरण भी हुआ। कर्नाटका के कांगवाड़ा के मोले पर गांव सरकार ने लोगों को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल 112 नंबर को जारी किया। इस नंबर पर फोन करके पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। बरेली में चौकीदार की हत्या के इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है, लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। महोबा में वृद्ध महिलाओं के बलात्कार का मामला सामने आया है। पीड़िता ने 2 व्यक्तियों पर रेप का आरोप लगाया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कर्नाटका के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार अंसवरी केरल यात्रा के नाम के केरल में हुंकार भरी, बता दें कि आने वाले दिनों में केरल में चुनाव होने जा रहे हैं। सेंसेक्स 361 अंक से फिसलकर 50,712 पर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 1,030 अंकों की बढ़त के साथ 36,375 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो गया है। पेट्रोल 86.95 रुपए और डीजल 77.13 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, साथ ही रिवर्स रेपो रेट में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। रिलायंस ने अमेरिका में स्थित शेल केस में परिसंपत्ति में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। ये हिस्सेदारी 25 करोड़ डॉलर में बेची गई। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन नीता अंबानी ने वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक का एक उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि हमने एक बार फिर कैंसर वर्ल्ड के लिए प्रतिबद्धता जताई। एसबीआई को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सिर्फ 5,196 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने से बैंक के एनपीए में अच्छी खासी कमाई हुई है। सरकार विनिवेश का लक्ष्य पूरा करने के लिए निजीकरण पर जोर दे रहा है। इसके लिए अगले चरण में 6 से 10 हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा। चीनी कंपनी रियलमी में भारत अपने 2 नए स्मार्टफोन रियलमी X7 और X7 प्रो लॉन्च कर दिया है। केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण की घोषणा के खिलाफ बैंक यूनियनों ने उबाल दिखाया है, पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। 2021-22 के लिए जीडीपी में 10.5% ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि विदेश निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा जता रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10.53 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अब तक 22,92,000 से ज्यादा लोग जान भी गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 2 हफ्ते में संक्रमण के करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना महामारी के बचाव के लिए दुनिया का पहला 2 कोरोना वैक्सीन की मिक्स डोज देने का ट्रायल शुरू हो गया है।
अमेरिकी दवाई निर्माता कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए FDA को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने सेनाओं के हिरासत में ले लिया है म्यांमार के नेताओं को, तत्काल रिहा करने की अपील भी की है। मैक्सिको के पूर्व गवर्नर मारियो मारिन को एक पत्रकार को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को चीन की सिनोफार्मा कोरोना वैक्सीन नहीं दी जाएगी। चीन की लैब में कोरोना वायरस बनाने से अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, वुहान गई WHO टीम ने यह बयान दिया। ईरान के सुरक्षा बल में पाकिस्तान में घुसकर अपने 2 सैनिकों के आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया। पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी मारक क्षमता मात्र 290 किमी की दूरी तक की गई। अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी रिलीज डेट कयास लगाने शुरू हो गए हैं। रोहित शेट्टी के निर्देशक में बनी ये फिल्म गुड फ्राइडे के मौके पर यानी कि 2 अप्रैल को रिलीज हो सकती है। एक्ट्रेस विद्या बालन की नटखट ऑस्कर 2021 की रेस में शामिल हो गई। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी जाहिर की। बिग बॉस के 14 में रुबीना ने राखी के मुंह पर बाल्टी भरकर पानी फेंका और जिससे फैंस ने भी सपोर्ट किया, बोले राखी यही डिजर्व करती है। फार्मर प्रोटेस्ट पर सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए खुलकर अपनी राय रख रहे हैं और अब सलमान खान ने भी इस पर बयान दिया, कहा जो सबसे सही है वही ठीक है। तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस तीखी होती जा रही है। तापसी ने कंगना पर निशाना साधते हुए उन्हें DNA को जहरीला बता दिया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में घुटने की चोट की वजह से अक्षय पटेल बाहर हो गए हैं। अब शाहवाज नदीम और राहुल चहर को मौका मिला है। किसान आंदोलन का मुद्दा टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया है, इसकी जानकारी विराट कोहली ने खुद दी। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया ने सिद्धित पन्नू के सगाई कर ली है और राहुल ने सगाई की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर दिलीप दोषी ने दावा किया है कि इंग्लैंड भारत टेस्ट को सीरीज में हरा सकता है क्योंकि मौजूदा इंग्लिश टीम काफी संतुलन दिखाई दे रही है। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट के सीरीज को पहले SG गेंद में बदलाव हुआ और इसी सीरीज के साथ मैच में नए बदलाव वाली गेंद में खेले जाएंगे। तो चलिए सुपरफास्ट में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।